नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 3, और पाठ संख्या 3 का शीर्षक है नन्हा दीपक। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें दी हुई है यहाँ पर चित्र पर आधारित गतिविधि। संलग्न चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार क्यों कहा जाता है, अपने विचार व्यक्त करो। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए कर्तव्य कभी कभी बुराइयों को समाप्त करने और अच्छाइयों के विकास में सहायक होते हैं। आइए शुरू करते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयां हैं। हम अच्छाइयों को रोज़ देखते हैं लेकिन तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। शायद इसलिए कि अच्छाइयां बुराइयों की भांति हमें चौंकाती नहीं हैं, केवल जीवन में भरोसा दिलाती हैं। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ भरा भरा लगने लगता है। बुराइयां चौंकाकर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती हैं, इस कारण वे बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जीवन में विश्वास के लिए बुराइयों की इस जालसाजी को समझना ज़रूरी है। गगरी जितनी कम भरी हो उतनी ज़्यादा छलकती है, लेकिन उस अवस्था में भी उसमें पानी तो रहता ही है। आशय है कि बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसे समझ लेना इंसानियत में भरोसा लौटाना है। रात्रि की नीरवता, आसमान में अचानक आ चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। उनके बीच से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियाँ बादल की मोटी परतों में गुम हुई तो धरती पर अंधियारा चढ़ गया। इस बीच हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ ली। फिर भी बादलों की गिरफ्त में आने से बचे सितारों को देख यह अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। ऐसी सघन नीरवता में जंगल के सुनसान चौराहे पर नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह कांप उठता। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, उसकी मार सहता, फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती। चौराहे पर खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर जिसका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे, आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ों पर चढ़ी अमर बेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़ उस दीप की जिजीविषा को मन ही मन नमन करते। तेज हवा के बीच उसकी लौ को कांपते देखकर दुखी होते। वही हवा के झोंके से जंग जीत लौ जब सीधी तन जाती तब उन सभी का मन भी गर्व से भरभरा उठता था। तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते दीपक को देख मर्माहत महसूस कर रही हवा से रहा ना गया। वह यथासंभव दबे पांव दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदलते मिजाज के आगे बेबस हूँ, परंतु तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो। मैंने पिता सूरज को वचन दिया है, उनके आने तक अंधेरे से मोर्चा लेना मेरी जिम्मेदारी है। दीपक कर्तव्य बोध से भरा था। मैं मीलों चलकर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो। मेरे आगे मेरा कर्तव्य है, दीपक ने विनम्रतापूर्वक कहा। हवा आगे बढ़ गई, दीपक फिर मोर्चा साधने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़की, बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया। धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया।
दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया। तभी कुछ कदमों की आहट हुई। चार आदमी वहां आकर रुके। उनकी सांसें फूली हुई थी, लगा जैसे दूर से दौड़ कर आए हों। तभी बिजली कड़की, चारों के मुंह ढके हुए थे। मुझे अंदाजा था यहाँ कुछ न कुछ उजाला अवश्य होगा, एक बोला। उनके सरदार ने कहा, रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका है, जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं, पौ फटने से पहले घर पहुँचना है। इसके बाद चारों दीपक के उजाले में बैठकर बंटवारा करने लगे। घने जंगल के बीच किसी के आने का अंदेशा ना था, वे चारों निश्चिंत थे। दूसरे ने चहककर अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा, उम्मीद से कहीं अधिक माल मिला। तीसरा बोला, समय रहते बट भी गया, आओ अब चलते हैं। चलने से पहले उन्होंने एक नज़र दीपक पर डाली। उनका सरदार बोला, शुक्रिया भाई, खूब काम आए, इस वीराने में ऐसे ही जला करो। दूसरे ने जोड़ा, और हम चोरों की खूब मदद किया करो। तीसरे ने अंगड़ाई लेते हुए जोड़ा। फिर चारों तेज कदमों से अंधेरे में विलीन हो गए। उनके आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। वह कटाक्ष के वार से उबर पाए उससे पहले ही हवा उसके पास पहुंच गई। मैंने पहले ही बुझने को कहा था, मान लेते तो चोरों के अपराध में भागीदार न बनते। अपराध में भागीदार, सुनकर दीपक को धक्का लगा। एक ग्लानी भाव उसके भीतर तक बैठ गया। हर रोज रोशनी बांटकर वह खुद को धन्य समझता था। सुबह की पहली किरण के साथ जब वह विश्राम को जाता तब मन भरा भरा रहता था, किंतु आज हवा की बात मान लेना ही उचित होता। अपराध में साथ देने वाला भी बराबर का दोषी होता है। वह जितना सोचता उतना ही उदास होता जाता। जिस दीपक को हवा के तेज झोंके हरा नहीं पाए थे, मौसम के क्रूर थपेड़ों का जिसने साहसपूर्वक सामना किया था, उसे हवा के एक उल्हाने ने तोड़कर रख दिया। उसकी तेज चमकदार रोशनी पीली पड़ने लगी। रात का मामूली समय बिताना भी भारी लगने लगा। उफ, अपराध का भागीदार बनकर मैं पिता सूरज से कैसे आंख मिला पाऊंगा। अच्छा हो उनके आने से पहले ही आंखें मूंद लूं। सोचते हुए दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। तभी चमत्कार हुआ, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। नन्हे दीपक की आंखें चौंधियाने लगी। बहुत उद्विग्न हो पुत्र, एक गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आप, पिता सूरज को सामने देख वह हतप्रभ था। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है। योग्य पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं सकती, कहकर दीपक ने नजरें झुका ली। सूरज ने उसे सांत्वना दी तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने उड़ेल दी। मुझसे भूल हुई, उन चोरों की मदद कर आज मैं भी अपराधी बन गया, कहकर दीपक ने अपनी बात समाप्त की। सूरज के चेहरे पर मुस्कान खिली थी। तब तो मैं तुमसे कहीं बड़ा अपराधी हुआ, क्योंकि दुनिया में जितना भी अनाचार होता है सब मेरी रोशनी में होता है। दीपक शांत रहा। पुत्र, हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे वश में है। हमारा काम जीव जगत को रोशनी बांटना है। यदि उसमें पक्षपात करें तो हम दोषी रहोंगे। नदी का धर्म प्यास बुझाना है। कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो यह जिम्मेदारी अपकर्म करने वाले की है। यह तो हमें समझना ही चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम जानते हो तभी खुद को दोषी मान रहे हो। हम आदमी के प्रत्येक कर्म को उजाले में लाकर उसे यह अवसर देते हैं कि वह अच्छे और बुरे की पड़ताल कर सके। तुमने रोशनी बांटकर अपना कर्तव्य निभाया, यह मेरे लिए भी गर्व की बात है। इसीलिए ग्लानी बोध से बाहर निकलकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अब तुम विश्राम करो, मैं भी चलता हूँ। पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है। सूरज की बातों से दीपक का अवसाद ढलने लगा। अगली रात उसने एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाया।
बूढ़े को ठोकर लगने से बचाया और न जाने कितने यात्रियों का पथ आलोकित किया। इससे उसका भरोसा वापस लौट आया। कुछ वर्षों बाद उस चौराहे पर चहल पहल अचानक बढ़ गई। पहले राजमिस्त्री आए, फिर मजदूर। देखते ही देखते एक सुंदर धर्मशाला उस चौराहे पर खड़ी हो गई। धर्मशाला के बीचों बीच जहाँ कभी दीपक जला करता था, एक सुंदर चौकी बनाकर दीपक का ठिकाना सुरक्षित कर दिया गया। चौकी की दीवार पर शिलालेख लगा था। उस पर लिखा था, यह धर्मशाला चार चोरों द्वारा बनवाई गई है। एक रात उन्होंने इस दीपक की रोशनी में ठहरकर चोरी के धन का बंटवारा किया था। उस रात वे नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी थी, बल्कि अपने अंतर मन का पवित्र उजियारा भी उन्हें भेंट कर दिया था। उसके बाद उन्हें चोरी के काम से घिन होने लगी। धर्मशाला का निर्माण उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से किया है। उनकी इच्छा है कि जब तक यह धर्मशाला रहे, तब तक यह दीपक यूं ही जलता रहे, ताकि उन जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता मिल सके। आज उस धर्मशाला को बने वर्षों बीत चुके हैं। चौराहे पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं। तेल भरे चिरागों की जगह बिजली के लट्टुओं ने ले ली है, लेकिन वह धर्मशाला आज भी ज्यों की त्यों है। उसमें रखा दीपक आज भी रोशनी बांटता है। भटके हुए लोगों को राह दिखाने की उसकी जद्दोजहद आज भी जारी है। और इस लेख के लेखक हैं ओम प्रकाश कश्यप। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि बुराइयाँ चाहे जितनी भी हों, हमेशा अच्छाई से कम ही होती है, और हमेशा अच्छाई की ही जीत भी होती है। हमें किसी भी बात के लिए अपने आप को अपराधी ना मानकर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। यहाँ पर है कठिन शब्द जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे, केंद्रित, अवस्था, श्वेत रश्मियाँ, मर्माहत, अंतर्मन, कर्तव्य बोध, कटाक्ष, उद्विग्न, व्यथा, अपकर। आगे चलते हैं। यहाँ दिए हुए हैं शब्द और अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। नज़रअंदाज, अनदेखा, अंदेशा, खतरा, शक, संदेह, चेतना, जागृत अवस्था, कटाक्ष, कटु बात या फिर तीखे बोल, आशय, मतलब, भावार्थ, अर्थ, उद्विग्न, बेचैन, सघन, घना, हतप्रभ, हैरान, अवाक, मर्माहत, बहुत दुखी, अपकर्म, बुरे कर्म, कर्तव्य बोध, जिम्मेदारी का एहसास, अंतर्मन, मन के भीतर। तो चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। बताओ क्या पढ़ा? हम अच्छाइयों को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? हम अच्छाइयों को इसीलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि अच्छाइयाँ हमें बुराइयों की भांति चौंकाती नहीं हैं। बुराइयों का बड़ा दिखने का कारण क्या है? बुराइयों का बड़ा दिखने का कारण यह है कि बुराइयाँ चौंक कर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती हैं। जीवन में विश्वास लाने के लिए क्या समझना ज़रूरी है? जीवन में विश्वास लाने के लिए बुराइयों की जालसाजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि बुराइयाँ बस दिखती बड़ी हैं, परंतु वे अच्छाइयों की तुलना में बहुत कम हैं। जंगल के सुनसान चौराहे पर उजाला कौन फैला रहा था? दीपक। दीपक ने जलते रहने का वचन किसे दिया था? दीपक ने जलते रहने का वचन पिता सूरज को दिया था। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। दीपक किन की मदद करके स्वयं को अपराधी मान रहा था? चोरों की। सूरज ने दीपक को किस पर ध्यान देने के लिए कहा? कर्तव्य पर। धर्मशाला का निर्माण किसने किया? चोरों ने।
रिक्त स्थानों को भरो, दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयां हैं। चोरों के आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया, दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। योग्य पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं सकती, पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतज़ार कर रही है। आप मेरे साथ साथ ही इसे अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। किसने कहा, शुक्रिया भाई खूब काम आए चोरों के सरदार ने, मैंने पहले ही बुझने को कहा था। हवा ने, बहुत उद्विग्न हो पुत्र पिता सूरज ने, मेरे आगे मेरा कर्तव्य है, ऐसा कहा था दीपक ने। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अब हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, दीपक हवा से मोर्चा किस तरह ले रहा था। जब हवा का तेज झोंका दीपक की लौ से टकराता तो उसका हृदय कांप उठता, वह अपनी पूरी ताकत से उस उद्दंड झोंके से मोर्चा ले रहा था, उसकी मार सहता, फिर उसके थपेड़े को सहकर अपनी गर्दन सीधी कर लेता और अपनी पूरी ताकत से उसकी लौ फिर से तन जाती। दीपक के जीने की ताकत को नमन कौन कौन कर रहा था। चौराहे पर खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर जहां कभी कभी यात्री विश्राम करते थे, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे और पेड़ों पर चढ़ी अमर बेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करते हुए चमगादड़ आदि सभी दीपक की जिजीविषा को मन ही मन नमन कर रहे थे। हवा ने दीपक को आराम करने की सलाह क्यों दी। जब हवा ने दीपक को तेज झोंके और अंधेरे में अकेले जूझता देखा तो उसने दीपक को आराम करने की सलाह दी। दीपक ने रोशनी बांटकर अपना कौन सा कर्तव्य निभाया। दीपक ने रोशनी बांटकर हर आदमी को यह अवसर दिया कि वह अपने कार्य को देख सकें कि क्या वह कार्य सही है या नहीं। दीपक ने अपने रोशनी बांटने के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह निभाया। दीपक को आत्मग्लानि क्यों हो रही थी। दीपक को आत्मग्लानि इसीलिए हो रही थी क्योंकि चोरों की बात सुनकर वह चकित रह गया। जब हवा ने उससे यह कहा कि अब तुम भी चोरों के अपराध में भागीदार हो तो इसे सच मानकर दीपक अपराध बोध से ग्रसित हो गया और इसी कारण से उसे आत्मग्लानि हो रही थी। तो आशा करती हूँ बच्चों अब आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलते रहना चाहिए और हमेशा ये याद भी रखना चाहिए कि बुराइयाँ चाहे जितनी भी हों अच्छाइयों की तुलना में हमेशा कम ही होती हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।